Hello students, we are covering the topic square and square roots, in which we have covered almost all the properties of squares. We solved so many questions based on that property, and even I summarize all the properties in the end. Now today we are moving to the topic square root, which is very very essential part of maths. ठीक है, square root के बिना square पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. अब आपको square root word में थोड़ा सा कुछ नया लगेगा कि what is the meaning of square root, right? So before starting square root, कुछ हम छोटी सी elementary चीज़ें recall करेंगे जिससे हम easily समझ सके कि what is the square root actually, ठीक है? Like हमने powers chapter पहले पढ़ा था. I have 2 to the power 2 and 2 to the power 2. तो हम इसे क्या करते हैं, 2 to the power 4. कोई भी लाइक x टू द पावर 2 एंड x टू द पावर 3, सो वी जनरली राइट x टू द पावर 5. हाउ वी अप्लाई द प्रॉपर्टी, इफ बेसिस आर सेम देन एंड द ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन देन पावर विल बी एडेड. सेम रूल हमने स्क्वायर में अप्लाई किया, लाइक आई हैव 3 एंड 3, सो आई कैन इजीली राइट 3 टू द पावर 2. आई कैन से 3 स्क्वायर एज वेल एज आई कैन से 3 टू द पावर 2, बोथ हैव सेम मीनिंग, और ये हमने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी क्लियर किया. एक और कोई एग्जाम्पल ले रहे, लाइक आई हैव 7 एंड 7, सो आई कैन ईजिली राइट 7 टू द पावर 2. ये होता कैसे पॉसिबल है, इनकी कोई पावर नहीं है, मीन्स दे आर हैविंग पावर 1. बेसिस सेम है, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर विल बी एडेड. ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हम करते आ रहे हैं. ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉलिंग दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, अब हमारा ये आ गया 7 टू द पावर 2. फाइन, अब ये तो हुआ स्क्वायर. नाउ मूविंग टू द टॉपिक स्क्वायर रूट. इफ आई हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स. क्योंकि हम ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफी प्रीवियस क्लासेस में भी, लीनियर इक्वेशंस में भी, कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल जब होता है तो हम उसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं. ऐसी सिचुएशन हमारे पास आई कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो हमें तो वैल्यू हमेशा किसकी फाइंड करना होती है, वेरिएबल की. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस स्क्वायर को हम कहाँ मूव करेंगे, राइट? अब यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे. हमने हमेशा प्लस का इनवर्स एप्लीकेशन क्या पढ़ा है, आप इमीडिएटली कहेंगे मैम माइनस. माइनस का इनवर्स एप्लीकेशन क्या होता है, प्लस. मीन्स प्लस का उल्टा आप कह सकते हैं, इनवर्स मीन्स जस्ट ऑपोजिट. प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का इनवर्स इज प्लस, मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स इज ऑलवेज डिवाइड, डिवाइड का इनवर्स इज ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन, एज वेल एज स्क्वायर का इनवर्स एप्लीकेशन इज ऑलवेज स्क्वायर रूट. तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू, अब ये 2 जो है वो राइट साइड में मूव करेगा, अभी ये स्क्वायर 2 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4. लाइक हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन होती x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर हमेशा क्या होता है, x इक्वल टू 0 माइनस 4. मीन्स ये 4 जो प्लस का है ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाके इसका इन्वर्स हो जाता है, एडिटिव इन्वर्स, एंड प्लस 4 विल कन्वर्टेड इनटू माइनस 4, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, माइनस 4. सिमिलरली x इंटू 2 इक्वल टू 4 है, तो आपका इमीजिएटली आंसर होता है मैम 4/2. हाउ, मल्टीप्लीकेशन का इन्वर्स हो जाता है इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाके. तो जब सब ऑपरेशन के इन्वर्स है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि स्क्वायर का भी एक इन्वर्स होना चाहिए. ठीक है, तो सिमिलरली स्क्वायर का इन्वर्स हमेशा क्या होगा, स्क्वायर रूट. अब आपको ये देखने में बड़ा अजीब सा एंड लेंथी लगेगा कि हम ऐसा थोड़ी बार बार लिखेंगे मैम, लाइक आई हैव अ सिचुएशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो क्या हम इसे बार बार ऐसा लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16. और फिर अभी सॉल्व तो हम आगे करेंगे, तो इट्स क्वाइट लेंथी, सो देयर शुड बी वन सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, राइट? तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंबल क्या होता है स्क्वायर रूट का.
स्क्वायर रूट का सिंबल होता है इस तरह से, एक कैप होती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। इस यहां पर कैप के अंदर आइदर कुछ नहीं होगा या टू लिखा होगा। मींस अगर मैंने ये बनाया, दिस इटसेल्फ इज अ स्क्वायर रूट, एंड अगर मैं इसके अंदर टू भी लिख देती हूँ, देन ऑल्सो इट इज अ स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले तो हमें सिंबल समझ में आना चाहिए। जैसे हमें प्लस सिंबल समझ में आता है, तो जब भी हम प्लस की बात करते हैं तो आप ऐसा ही बनाते हैं, हम माइनस बोलते हैं तो आप ऐसा बनाते हैं। एक स्पेसिफिक सिंबल है प्लस का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लीकेशन का, डिविजन का। सिमिलरली स्क्वायर रूट की जब भी हम बात करेंगे तो उसके सिंबल ये होंगे, आइदर दिस और दिस, बोथ आर सेम। सबसे पहले तो हमें सिंबल क्लियर होना चाहिए। अब हम हमारी इक्वेशन पे वापस जाते हैं। वी हैड अ सिचुएशन लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एज आई टोल्ड यू कि आप स्क्वायर को जब शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड तो स्क्वायर का इनवर्स हो जाएगा, एंड स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब हम ये लैंग्वेज में नहीं लिख के हम इसे कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब डेफिनेटली आपको दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम सॉल्यूशन तो बाद में देखेंगे, पहले हमें इसको प्रॉपर वे में लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे वो देखेंगे। इन योर प्रीवियस क्लासेस यू फेस सो मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, स्पेशली स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। आपको ऐसे सिचुएशंस कई बार आई होगी कि एक स्क्वायर है, इसके साइड 3 है, फाइंड द एरिया, राइट। तो आप क्या करते थे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, एंड आप करते थे 3 × 3 मीन्स 9 यूनिट्स, फाइन। ये तो बहुत सिंपल हुआ। ऐसी सिचुएशन एक और आती थी कि ये स्क्वायर है, इसकी साइड हमें नहीं पता है, मीन्स x है, एंड एरिया गिवन है, एरिया दिया है 9 यूनिट्स, एंड फाइंड द साइड। तब आप क्या करते थे, आप लिखते थे साइड इंटू साइड इक्वल्स टू 9 यूनिट्स, एंड आप इसके बाद इसे करते थे साइड स्क्वायर इक्वल टू 3 × 3। सो फाइनली इसे भी 3 स्क्वायर लिखते थे। कुछ याद आया आपको, एंड इन ऑल आप आंसर देते थे साइड इक्वल्स टू 3 यूनिट। जब एरिया 9 होता था तो आप बोलते थे एरिया, सॉरी साइड 3 होगी। एरिया 16 यूनिट्स होता था तो आप साइड 4 बताते थे, क्योंकि आप उसका मल्टीप्लिकेशन ढूंढते थे, ठीक है, साइड इक्वल टू 3। यही करते थे आप, अगर ये 16 होता था तो आप 16 के फैक्टर करते थे 4 × 4, मीन 16 को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, जो हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा। 25 होता था तो 25 को आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे 5 × 5, एंड जब आप आंसर बोलते थे कि साइड इसकी 5 होगी। इफ आई एम आस्किंग द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 यूनिट्स, देन फाइंड द साइड, तो आप इमीजिएटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आंसर लिखते थे कि इसका आंसर मैम 10 होगा, बिकॉज 100 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करें तो 10 × 10 होता है, ठीक है। बट जब आपको नहीं पता होता था कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता था, तो आपको ये नहीं पता होता था कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं वॉट इट इज एक्चुअली, ठीक है। अब हम ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, हमारा एक क्वेश्चन था x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो हमने उसे क्या लिखा, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। इन सिंबॉलिक फॉर्म आई कैन राइट दिस, फाइन। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। x इक्वल्स टू 16 के हम ऐसे कॉम्बिनेशन निकालेंगे जो सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से 16 आता हो। ये प्रोसीजर हम परफेक्ट स्क्वायर में पढ़ चुके हैं। यू कैन अप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, बहुत सारी कॉलम मैथड, हमने बहुत सारे तरीके पढ़े। 16 का हम क्या कर सकते हैं, 16 को 4 × 4, फाइन। अब इसके बाद जो हमारी फर्दर स्टेप होगी, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 to the power 2। यहां से एक नई चीज इंट्रोड्यूस होगी,
जो हमें हमेशा पता होना चाहिए, एंड आई थिंक पावर एंड एक्सपोनेंट में हमने इसे कवर भी किया है। अभी हमारे पास आ गया x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो सिंबल है स्क्वायर रूट का, जो जिसे हम शॉर्ट में कैप भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में रूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जब ओपन होता है तो ये हमेशा 1/2 में कन्वर्ट होगा। इसके मैं अभी आपको प्रैक्टिस और कराऊंगी। कैप को जब भी हम ओपन करेंगे तो 1/2 में ही कन्वर्ट होगा। यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी पावर टू द पावर, ठीक है। पावर टू द पावर जब होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रॉपर्टी इज लाइक दिस, जो हमने काफी प्रैक्टिस की हुई है कि इफ पावर टू द पावर हो तो पावर विल बी मल्टीप्लाइड। तो सिमिलरली 4 to the power 2 एंड होल टू द पावर 1/2, तो हमने पावर्स को क्या किया, मल्टीप्लाई। ये कैंसिल हो गए। सो एक्स इक्वल टू 4 to the power 1 मीन्स 4 हुआ, ठीक है। सिंपली हमारा x कितना आ गया, 4। मीन्स हम क्वेश्चन लेके चले थे इफ वी हैव अ सिचुएशन x square equal to 16, देन योर आंसर विल बी 4। इन शॉर्ट हम प्रीवियस क्लास की अगर बात करें तो आप इसे ऐसे सॉल्व करते थे, 16 को आप 4 स्क्वायर लिखते थे और आप कंपेयर कर लेते थे, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो आप कहते थे x इक्वल टू 4 होगा। बट इसके पीछे जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो ये होता है। तो सबसे पहले हम जितने भी स्क्वायर रूट्स हम ऐसे मल्टीप्लाई करके फाइंड करते थे, अब हम इस प्रोसीजर के थ्रू पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको ये भी याद रखना चाहिए कि जो हमने प्रॉपर्टीज पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ी हैं वो इसमें जगह जगह पर अप्लाई होंगे। मीन्स पावर एंड एक्सपोनेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर दिस चैप्टर। अभी हम जो प्रॉपर्टी मेन लगा रहे हैं वो एक तो प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है, एक्स टू द पावर एम एंड पावर टू द पावर हो देन पावर विल बी मल्टीप्लाई, एंड बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये तो आपको पता ही है। वो भी कब होती हैं, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन हो। सिमिलरली बेसिस सेम हो एंड बीच में डिविजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एडिशनली हमने यहाँ पढ़ा दिस इज सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट और दिस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। इन दोनों का मीनिंग सेम है। ये टू हमने यहाँ आपको इसलिए समझाया कि ये जो कैप है ये स्क्वायर रूट है, जब भी ब्रैकेट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये पावर हाफ में कन्वर्ट होगा। इस कैप के इक्विवेलेंट वैल्यू होती है ये, ठीक है। ये अब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। लाइक आई हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स तो व्हाट विल डू, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बाकी आपको इसका डायरेक्ट आंसर पता है कि इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। क्यों 9 होगा, क्योंकि 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो वो 81 होगा। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना, विल फॉलो द प्रोसीजर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 है तो एक्स इक्वल टू, जैसे हमारा इनवर्स होता है प्लस का इनवर्स माइनस, माइनस का एप्लीकेशन इनवर्स प्लस होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, सिमिलरली स्क्वायर का इनवर्स एप्लीकेशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ 81। आप सिंबॉलिक फॉर्म में से लिख सकते हैं 81, ये लिखेंगे, ठीक है। ये हम प्रैक्टिस के लिए करने हैं। अब हम क्या करेंगे, 81 को फैक्टराइज करेंगे। 3 × 3, 3 × 9, 3 × 27, 3 × 81। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बेस सेम है, सबकी पावर जो है वो 1 है, तो ये हो जाएगा 3 to the power 4, राइट। नाउ सर्ड ओपन करेंगे, मींस ये जो कैप है इसे ओपन करेंगे, एंड एज आई टोल्ड यू व्हेन एवर वी ओपन दिस कैप इट विल कन्वर्ट इनटू पावर हाफ, राइट। तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद हमारा होगा 3 to the power 4 टू द पावर हाफ, बिकॉज पावर टू द पावर है इट विल मल्टीप्लाई। सो फाइनली वी हैव दिस 2 to the 4, सो x equals to 3 square, राइट। सो योर आंसर इज 9। ये
ये हमें पहले से पता था, हम जो प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे थे, जब हमें पता नहीं होता था कि हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे, तो हमारी टीचर हमें सिखाती थी कि हम कुछ इस तरह करेंगे, ठीक है। फिर हम कहते थे इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो वी कंपेयर दिस टू टर्म एंड वी जनरली से कि एक्स इक्वल टू 9। बट इसके पीछे की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको ये और स्मूथली समझ में आ जाए। कोई बड़ा सा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, लाइक आई हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625। सो व्हाट आई विल डू, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625। आइदर आई कैन राइट 2 हेयर और मैं ना लिखूं, दोनों जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, सो ऑब्वियस ये 5 के फॉर्म में फैक्टराइज होगा। 625, 625 125, 625 1 सॉरी 625। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जब हम स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू हाफ, राइट। 5 to the power 4 इनटू हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली योर आंसर इज एक्स इक्वल टू 5 square मीन्स एक्स इक्वल टू 25। सो स्क्वायर रूट ऑफ 625 is 25। अब हमने क्वेश्चंस ले लिए तो वी कैन फॉर्म अ टेबल, लाइक अर्लियर वी फॉर्म स्क्वायर्स। हम क्या करते थे, वी हैव वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें उसके स्क्वायर ऑफ एक्स निकालने। कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा आपको, हम यहाँ स्क्वायर ऑफ एक्स निकालते हैं। हमारे पास जब 1 होता था, सो स्क्वायर ऑफ 1 मीन्स 1 square एंड फाइनली इट इज 1। 2 होता था तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, ठीक है। 3 है तो 3 square इज 9, 4 है तो 4 square इज 16 एंड एक और ले लेते हैं, 5 square इज 25। इसकी जस्ट ऑपोजिट टेबल, x यही रहेंगे, x हमने ले लिया 1, 4, 9, 16 एंड 25। अब हमारी टेबल उल्टी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहां हमने क्या निकाला था, यह हमारी प्रीवियस टेबल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द टॉपिक स्क्वायर। अभी हम जो टेबल फॉर्म कर रहे हैं, जो हमने एट प्रेजेंट पढ़ा कि हमारे पास कोई सिचुएशन है और हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट मीन्स हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। एंड 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, बिकॉज 1 into 1 1, ठीक है। 4 तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखेंगे। इसको हम इस प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व करेंगे, जो मैं अब नहीं करूंगी, आप प्रैक्टिस करेंगे। फाइनली कितना आएगा, 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 3। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा, 4। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा, 5। एंड ऐसे आप जितनी चाहें वो टेबल फॉर्म कर सकते हैं। क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, किसी का स्क्वायर इक्वल टू ये आ रहा है, ठीक है, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, और उसमें टेबल में क्या हो रहा है, रूट फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पे हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, मीन्स इनवर्स एप्लीकेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये था आपका स्क्वायर रूट का ब्रीफिंग कि एक्चुअली स्क्वायर रूट होता क्या है, ठीक है। सो अब आपको मीनिंग समझ में आ गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। तो अब हम एक डेफिनेशन लिख लें स्क्वायर रूट की, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट इज द स्क्वायर रूट, स्क्वायर को शॉर्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एक्स इज दैट नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ gives x as product, means just definition जो हुई square जैसे ही हुई। जैसे square हम कैसे करते थे कि like 4 का square हमें find करना है, तो हम 4 into 4 number multiply by itself,
this is always known as square of that particular number. सिमिलरली यहाँ पर भी वही डेफिनेशन है, जस्ट उसकी ऑपोजिट इनवर्स एप्लीकेशन, कि ऐसी कोई सिचुएशन लाइक वी हैव 81 एंड वी वॉन्ट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर चूज करेंगे जो मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ करने से रिजल्ट जो हमें पूछा है वो दे, ठीक है. तो 9 9 81 होता है. अब इसके बाद फर्दर प्रोसीजर जो आपको मैंने अभी समझाया, पावर ऐड हो जाएंगी, फिर आप कैप ओपन करेंगे. ये हम सिर्फ समझने के लिए कि इसके पीछे क्या प्रोसीजर है, ठीक है, ये ऐसा आंसर क्यों आता है. फिर पावर टू द पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और फाइनली द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9. बट ये आता कहाँ से है तो वो प्रोसीजर मुझे बताना आपको जरूरी है, ठीक है. तो स्क्वायर रूट की क्या डेफिनेशन हुई, द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर एक्स, लाइक जो भी 81 है, 16 है, 25 है, व्हाटएवर, इज दैट नंबर विच वेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. मीन्स हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारा रिजल्ट दे. लाइक 100 है तो 100 के लिए हम क्या चूज करेंगे, 10, बिकॉज 10 इंटू 10 ऑलवेज गिव्स 100. कोई भी और नंबर ले लीजिए लाइक 169. सो 13 एंड 13 ऑलवेज गिव्स यू 169. सो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 169 का रूट जो होगा वो स्क्वायर रूट जो होगा वो 13 होगा. उल्टा क्वेश्चन कर सकती हूँ मैं, द फाइंड द स्क्वायर ऑफ 13. तो आप क्या करेंगे, 13 इंटू 13 एंड योर आंसर विल बी 169. इन दिस केस आई हैव आस्क्ड स्क्वायर, इसका जस्ट ऑपोजिट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169. मतलब अभी आपका क्वेश्चन बन जाएगा और ये आंसर, तो आपका आंसर होगा 13, बिकॉज 169 का जो रूट है वो सॉल्व होगा 13 इंटू 13 एंड फाइनली इट विल गिव यू 13. प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है. तो जस्ट ऑपोजिट एप्लीकेशन है, सिमिलर एज प्लस को ऑपोजिट माइनस, इंटू का ऑपोजिट डिवाइड, एज वेल एज ऑलवेज स्क्वायर का ऑपोजिट स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट का ऑपोजिट स्क्वायर, ये आपको माइंड में रखना ही होगा. अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. अभी तो हमने छोटे छोटे नंबर लिए जो हमें टिप्स पे सॉल्व करना आते हैं, बट अब हम बड़े नंबर लेंगे. 100 और 200 तक के तो हम इमीडिएटली कर लेते हैं क्योंकि हमने स्क्वायर भी काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है. अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं थोड़ा सा बड़ा है. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 324. सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 324 मींस हमें क्या फाइंड करना है, ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म में हमने इसे लिख दिया. 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें, अब हम टेबल डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, लाइक हमें पता है 5 इंटू 5 करने से 25 आता है, 10 इंटू 10 करने से 100 आता है, पर 324 कब आता है हमें भी नहीं पता है. तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे. 2 1 2 2 6 12, ठीक है, 2 3 अगेन जाएगा, 2 8 16, 2 1 2, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1. जब तक 1 नहीं आता प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे. ये का ये प्रोसीजर हमने स्क्वायर में भी किया है तो आप इससे बहुत ज़्यादा यूज टू हैं, ठीक है. अब हम 324 के इक्वलेंट लिख सकते हैं 2 into 2, 3 into 3 into 3 into 3. अब यहाँ पर मैं आपको अपनी सिंपल सी ट्रिक से भी बता सकती हूँ और वो जो प्रोसीजर है उससे भी बताऊंगी, ठीक है. एक तो शॉर्ट तरीका है, आप 2 का 1 कर लें, 2 पेयर बना लें और इसको आप जरूरत ही नहीं है, सॉरी, ये हम हमारा शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं कि अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, बट एक्चुअल प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. इन 2 का हमने 1 2 ले लिया, इन 3 का हमने 1 3 ले लिया एंड इन 3 का हमने 1 3 लेके स्क्वायर रूट को रिमूव कर दिया, ठीक है. बट पेयरिंग करना जरूरी, हर बार 2 होना जरूरी है, उन 2 का ही 1 होगा, जो भी नंबर है वो 2 होना चाहिए तो उनका 1 हो जाएगा. सिमिलरली ये 2 हैं तो उनका 1 हो गया. 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18. सो योर आंसर इज द स्क्वायर रूट ऑफ
324 इज 18. आप चेक भी कर सकते हैं, 18 को 18 में मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 324. तो ये तो हमने क्या किया, शॉर्टकट लगाया, बट इसके पीछे क्या प्रोसीजर है हम एक बार उसको फिर से समझेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वो समझना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, वही क्वेश्चन अब हम लेंदी वे में, लेंदी जरूर है बट दिस इज एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस स्क्वायर रूट. ठीक है, फैक्टर तो आपने निकाल लिए, 2 × 2, 3 × 3 एंड अगेन 3 × 3. अभी हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. सिमिलरली पावर ऐड, पावर ऐड, फाइन. स्कैप को ओपन करेंगे, स्कैप को ओपन करने का एक ही प्रोसीजर है, वो हाफ में कन्वर्ट होता है, ये जानना बहुत जरूरी है. इसलिए मैं आपको लेंथी प्रोसीजर भी बता रही हूँ, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आपको स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा. नाउ यहाँ पर पावर सबकी 2 है, तो क्या मैं इन्हें ऐसा कलेक्ट कर सकती हूँ? यस, मैं आपको रीजन बताती हूँ कैसे. हमारे पास x टू द पावर m है, y टू द पावर m है, z टू द पावर m है, तो हम इसे इजीली लिख सकते हैं x y z टू द पावर m. बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, व्हेन पावर्स आर सेम एंड बेसिस आर डिफरेंट एंड बीच में साइन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का. ठीक है, हमने वो प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर ली. 3 × 3 = 9, 2 = 18, 2 पावर 2 एंड होल टू द पावर हाफ. इसके बाद की अगली स्टेप होगी पावर टू द पावर एंड पावर कैंसिल एंड फाइनली इट इज 18. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअल स्टोरी बिहाइंड दिस स्क्वायर रूट. बट इन शॉर्ट आप चाहें जब प्रैक्टिस हो जाए आपकी तब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 है तो एक रूट से बाहर आ गया, ये भी 2 है तो एक 3 बाहर आ गया, ये भी 2 है तो एक 3 बाहर आ गया. बट ये होता कैसे है उसका एक्चुअल सीन जो है वो मैंने आपके सामने रखा है. ठीक है, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है, ये तो हमारा नॉर्मल वर्बल लैंग्वेज है. ठीक है, अब और क्वेश्चन लेंगे. अनदर वन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764. अब क्वेश्चन और थोड़ा बड़ा हो गया, मीन्स वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764. सिंपल सा है, हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते. 2 से इसको डिवाइड देंगे हम, 2 × 8 = 16, 1 कैरी जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2. इसके बाद ये 3 से जाएगा बिकॉज ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 × 1 = 3, 1 कैरी गया तो 14 हो गया, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, 2 यहाँ कैरी गया, 3 × 9 = 27. ठीक है, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7. अब हम इसे 1764 के इक्वलेंट फैक्टर्स लिखेंगे. यहाँ से हम फैक्टर कॉपी करेंगे, 2 × 2, 3 × 3 एंड 7 × 7, राइट. अब इसके हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 2 का 1, 2 का 1 करेंगे, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा एंड योर आंसर विल बी लाइक दिस, 3 × 2 = 6, 7 = 42. द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42. एक इसका मैं फिर से वापस से वही रिकॉल कराऊंगी, इसके बाद मैं डायरेक्ट ये मेथड अप्लाई करूंगी. ठीक है, एक बार हम इसके पीछे की स्टोरी और चेक करेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि पावर एकदम से रिमूव कैसे हो जाती है. ठीक है, फैक्टर्स तो हमारे पास आ चुके हैं, 1764 इज इक्वल टू 2 × 2, 3 × 3 एंड 7 × 7. कैप कंटिन्यू, इसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर एंड इट इज इक्वलेंट टू 7 स्क्वायर. बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है. स्टूडेंट इससे आपका पावर एंड एक्सपोनेंट भी अच्छे से रिवाइज हो जाता है, इसलिए आप कोशिश हमेशा करें कि लॉन्ग तरीके से ही करें. ठीक है, बट शॉर्टकट भी गुड है और लॉन्ग भी गुड है. अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 7 × 3 = 21, 2 = 42 स्क्वायर. ऑब्वियस है, अब आप इस कैप को हटाएंगे
एंड कैप वेल कन्वर्टेड इनटू पावर हाफ पावर टू द पावर, तो ये हो जाएगा 42 टू द पावर 2 इनटू हाफ, पावर टू द पावर क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, कैंसिल हो गई एंड फाइनली इट इज 42। बोथ आर द गुड प्रोसीजर, जिसको आप फॉलो करना चाहे वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।